मुंदेली के जरहा गांव उप तहसील के ग्राम छतौना में शासकीय भूमि पर लंबे समय से काबिज आधा दर्जन लोगों को नायाब तहसीलदार ने नोटिस जारी कर खाली किए जाने के लिए कहा है। छोटे मोटे व्यवसायियों से गुजर बसर कर रहे लोगों ने कलेक्टर से इस पूरे मामले की शिकायत की है। तहसीलदार को गुमराह किया गया है, जिसकी वजह से अब उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। मामला जिला सत्र कोर्ट सहित अनुविभागीय दंड अधिकारी के कार्यालय में विचाराधीन है। कब्जाधारियों ने शासकीय भूमि में शासन की योजनाओं के अनुरूप पट्टे के लिए भी आवेदन दिया हुआ था, जो बहरहाल लंबित है। वहीं पीड़ितों ने कलेक्टर से एक बार फिर से गुहार लगाते हुए खसरा नंबर की निजी भूमि का सीमांकन कराए जाने की मांग की है। मुंगेली कलेक्टर ने बेदखल की कार्यवाही को लंबित प्रकरण का फैसला आने तक रोकने का भरोसा दिलाया है। छोटा छोटा व्यवसाय कर रहे हैं तो उसको सब व्यवसाय वाले को बेघर करना, घर से बेघर करना चाह रहे हैं। तो हम लोग इसमें सिविल कोर्ट में, तहसीली में, कलेक्टर में, सब जगह कागज पेश किए हैं। बाढ़ आने से हमारे जो दो मकान बन गया था वो बह गया। उसके बाद हम लोग जीवन अपन छोटा छोटा दुकान बना के कर रहे हैं उसमें। और कलेक्टर में ये केस प्रकरण जो कि जारी है, और इसके उपरांत बार बार हमको तहसीलदार के द्वारा प्रतीत किया जाता है, जो कि वह जमीन में 246/2 में उसका जमीन हम लोग को कोई काबिज नहीं है। देखो, बेजा कब्जा में क्या परिस्थिति है, क्या है, एक तो पहले अगर अतिक्रमण किया होगा तो उसको हटाना चाहिए। अगर वो ग्राम पंचायत के सह पर है तो ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पारित करना चाहिए और उसके बाद उसको सहयोग करना चाहिए। हमारे जो राजस्व अधिकारी है वो हटाते हैं उसमें। इंदौर पुलिस